हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इसे शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज मैं आपको ई फाइलिंग ऑनलाइन जो इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल करने का होता है 31 जुलाई से पहले, इसके बारे में गुड न्यूज़ आया है। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं लिया है तो 30 जून से पहले आप विदाउट आधार कार्ड आप अपना ई फाइलिंग इनकम टैक्स की रिटर्न इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उस पर ई फाइलिंग कर सकेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 9/6/2017 को यानी कि 2-3 दिन पहले ही ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है कि 30 जून से पहले अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अभी आप अपना रिटर्न ई फाइल कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर पहली जुलाई से उसके बाद में अगर आपको करना होगा ई फाइलिंग तो आपको फर्जियात आपका पैन कार्ड और आधार नंबर दोनों को लिंक करना पड़ेगा। वो लिंक कैसे करते हैं उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हूँ, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपको मतलब 30 जून से पहले अगर आपको करना है तो आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हो सकेगा। उसके बाद अगर आपको करेंगे तो आपको आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई करना पड़ेगा फर्जियात। अप्लाई करने के बाद जो एनरोलमेंट नंबर आता है आधार कार्ड का, वो आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर के साथ आप ई फाइलिंग कर सकेंगे। तो ये एक न्यूज़ आया है। तो जितनी जल्दी हो सके 30 जून से पहले अगर आपके आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो 30 जून से पहले आप अपना रिटर्न ई फाइल कर लें तो बेहतर है। फिर आपको आधार कार्ड लेना पड़ेगा, उसका एनरोलमेंट नंबर के साथ करना पड़ेगा और 31 जुलाई 2017 से पहले ये करना पड़ेगा। उसके बाद में तो ये नहीं संभव नहीं होगा, उसके बाद में आपको लिंक होगा, पहले तो ही आप ई फाइलिंग कर सकेंगे। तो ये आज की न्यूज़ है। तो ठीक है, अगर आपको अपने आधार कार्ड का अगर अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ वो कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है आने में आधार नंबर, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट का जो रूल्स हुआ है वो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आधार कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दीजिए, और आधार कार्ड अगर आपके पास है तो उसका लिंक करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन वीडियो में उसे देखकर आप लिंक भी आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ 2 या 3 मिनट में हो जाएगा काम। और दूसरा, आपको ई फाइलिंग करने का अगर सीखना है तो एक दूसरी वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ जहाँ पे आप ई फाइलिंग आराम से कर सकेंगे। जो उस वेबसाइट का नाम है cleartax.in, ये जो वेबसाइट है बहुत एकदम आसान है और वो भी फ्री में इनकम टैक्स अपने को ई फाइल करने का होता है वो एकदम आसानी से कर देगी। मतलब स्टेप भी एकदम सिंपल है। उसके अंदर आप लॉगिन साइन अप कर दीजिए, अगर लॉगिन नहीं हुआ तो साइन अप करने के बाद उसके अंदर पूरा डिटेल, पैन कार्ड, आपका एड्रेस डिटेल सब डालेंगे। उसके बाद उसके अंदर स्टेप बाई स्टेप सिखाया हुआ है कि आपकी जो इनकम है, TDS वगैरह जो भी आपका है सब उसके अंदर डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे XMLS फाइल बन जाएगी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमें अपलोड करने की होती है। तो फाइल को मतलब ये क्लियर टैक्स अपने आप से बनाकर आपसे पूछेंगे अगर इसको ई फाइलिंग करना है, तो अगर हम यस करेंगे, ओके करेंगे तो तुरंत वो ई फाइल कर देगी और उसका मैसेज आपको ई फाइलिंग इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उस पर आपके अकाउंट में उसका मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद आपको उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो बेंगलोर है वहाँ पर उसका हार्ड कॉपी आपको भेजने की होती है। अगर आपका जो लिंक है आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड तो डायरेक्ट आप यहाँ से लिंक में भेज भी सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको उसको 3 महीने के अंदर आपको उसे बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट या पोस्ट द्वारा आपको उसे हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी साइन करने के बाद। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ, और ऐसी और भी वीडियो न्यूज़ की जो आपको जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।